कभी कभी किसी को समझाने का कोई फायदा नहीं होता। तुम उससे कितना प्यार करते हो ये बताने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि शायद ज़रूरी नहीं है जिसे हम प्यार कर रहे हों वो भी हमारे लिए फील करे। हो सकता है ना दोनों बहुत क्लोज हो एक दूसरे के, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हर बात को आपस में समझ सके। तो किसी से प्यार के लिए रिक्वेस्ट करने से पहले ना उसके बारे में सोच लेना। अगर वो तुमसे ऑलरेडी दूर जाने की सोचता है ना, क्या तुम्हें हर जगह से इग्नोर करने लगा है या अब तुम्हें पहले से कम टाइम देने लगा है, तो उससे रिक्वेस्ट सोच समझ कर करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता है। क्योंकि साथ रहना इतना आसान नहीं होता यार जितना सिर्फ कह देना होता है। और किसी के कहने पे तो किसी से उम्मीद बिल्कुल भी मत करना कि वो हमेशा साथ है तुम्हारे, हमेशा पास है तुम्हारे, क्योंकि यार गलती उनकी भी नहीं होती। कभी कभी सब कुछ इतना जल्दी हो जाता है ना कि टाइम ही नहीं मिलता सोचने का कि यार हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे। और ये बात बस वही समझ सकता है जिसे प्यार नहीं होगा, बस अट्रैक्शन ही कुछ टाइम के लिए साथ रहना होगा। जो प्यार करने लग जाते हैं ना वो कहाँ कुछ समझ पाते हैं फिर, प्रैक्टिकल चीज़ों से तो भटक जाते हैं जैसे हम कहीं, सोच ही नहीं पाते कि वो सच में हमारे साथ रहना चाहता है या बस उसका साथ कुछ महीनों का। और इसमें किसी से रिक्वेस्ट मत करना रुकने की, क्योंकि जब तुम किसी से रिक्वेस्ट करोगे ना तुम और सस्ते हो जाओगे उसके लिए, और जितनी वैल्यू तुम्हारी पहले करता था अब वो तुम्हारी उतनी भी नहीं करेगा, और तुम्हारी दूरियां और बढ़ती जाएंगी, और ये मजबूरियां भी जो कहेंगी तुमसे साथ रहने के लिए, लेकिन आखिर में कोई साथ होगा ही नहीं। तो प्लीज़ किसी को मनाना, अपनी हद तक समझाना, लेकिन बस टूट मचाना। क्योंकि अक्सर सुना है जब हम टूट जाते हैं ना तो हमें और तोड़ा जाता है, क्योंकि टूटने से हमारी वो वैल्यू ना पहले से और कम हो जाती है। तो प्लीज़ यार किसी से रिक्वेस्ट मत करना साथ रहने की। कोई तुमसे प्यार करेगा ना तो ऑब्वियसली वो तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम्हारी किस्मत में नहीं होगा ना, और अगर तुम उसे पास रखने की कोशिश करोगे और जिद करोगे तो वो तुम्हें बहुत हर्ट करेगा। तो अगर कोई रुकता है तो ठीक है, और अगर नहीं तो बस जाने देना उसको। सबकी कहानी उस ऊपर वाले ने लिखी है, विश्वास रखो वही सब ठीक करेगा।